जीवन में हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, प्रयास करता है, और तमाम प्रयास करने के बाद वह जीवन में इस बात को हमेशा जानना चाहेगा कि क्या उसके पास स्त्री लक्ष्मी उसके पास में होगी या नहीं होगी, उसके भाग्य में है या नहीं। व्यक्ति कर्म करता चला जाता है। हम लोग कहते तो कि भाग्य का हमें मिलेगा और भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये बातें कहने में जितनी सरल लगती हैं उतने अनुभव में नहीं। मैं आपको यही बताऊंगा, सूत्र विधि से बताऊंगा, आप घर बैठे इसको समझ सकते हैं, अपने आप देख सकते हैं कि क्या आप अपने जीवन में जितनी मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुरूप आप पर रहमत कब होने वाली है, आप अपने आप देख सकते हैं। बहुत बार होता क्या है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, माता पिता देखते हैं बहुत प्रयास तो बच्चा करता है लेकिन उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं आ पाता। कभी तो समय होता क्या है कि गोचर के अनुसार या दशाओं के अनुसार बहुत बड़ा जीवन पर फर्क पड़ता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वैदिक ज्योतिष हो, चाहे पाश्चात्य हिसाब से भी हम उसको मान लें या अलग अलग पद्धतियों के अनुरूप भी हम मान लें, ये इसमें एक मत हर कोई है कि गोचर का प्रभाव पड़ता है। मैं आपके साथ गोचर पर लगातार जब भी प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं मैं आपके उसके साथ में आपको जरूर चर्चा करता हूँ, आपको बताता हूँ, आपकी राशियों के अनुसार बताता हूँ, आपके लग्न के आधार पर बताता हूँ, और आप समय समय पर उसकी चर्चा देख सकते हैं। नए दर्शक तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले समय में आपको तमाम जानकारियां मिलती रहे। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग वही मैं आपको बताने वाला हूं, हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने जन्म कुंडली के पूरा अध्ययन करके हम ये निश्चित कर पाए कि वास्तव में ये वर्तमान समय का हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वर्तमान की स्थितियां अनुकूल नहीं है, या फिर जीवन ऐसे ही संघर्षों में निकल जाएगा, ये हम अपनी कुंडली में स्वयं देख पाएंगे। आप अपनी कुंडली निकाल सकते हैं, मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, मेथड आप बता रहा हूं, आप उसके आधार पर देख सकते हैं। पहला सूत्र मैं यहां पर बता रहा हूं क्योंकि लाभ का लाभ ही इसका लाभ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ज्योतिष में आपका प्रवेश पहले से है तो आप लाभ ही शब्द को समझ रहे होंगे, यानी लाभ भाव का स्वामी, यानी जन्म कुंडली में एकादश का स्वामी यानी 11th लॉर्ड, और दूसरा हम धन भाव जिसको कहते हैं यानी सेकंड हाउस को। तो सेकंड के लॉर्ड और 11th के लॉर्ड हमारी जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं, सूत्र में वही आपको बताया है। का लाभे से लग्ने पिवाप केंद्र है, यानी लाभ भाव का स्वामी या तो लग्न में आकर बैठ जाए। अब अपनी कुंडली देखिए, एकादश में कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, अगर आप बेसिक जानते हैं ज्योतिष का तो आप समझ रहे होंगे। मान लो वहां पर उदाहरण के लिए एक लिखा हुआ है आपके 11वें स्थान के अंदर, स्थान यहां पर महत्वपूर्ण है, आप उसको समझिए। आप विगिनर है तो आपको थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, पूर्व वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे हम हाउस किसको कहेंगे और राशि किसको कहेंगे। जहां पर एक लिखा होगा वो एक घर नहीं है, वो मेष राशि है, एक राशि है, और घर जहां पर कुंडली का केंद्र होता है, जहां से कुंडली स्टार्ट होती है, उसको एक भाव कहते हैं यानी पहला घर कहते हैं। तो वहां से गिन ले तो आप कुंडली के 11वें घर पर जाएं, वहां के स्वामी को आप देखें। उदाहरण के तौर पर अगर वहां पर एक लिखा हुआ है तो ये मेष राशि बनती है और मेष राशि का स्वामी मंगल बनेगा, तो आपकी कुंडली के अंदर क्या हुआ, मेष के स्वामी मंगल बने यानी एकादश के स्वामी मंगल बने। तो सूत्र क्या कह रहा है, का लाभे से लग्ने पिवापी, या तो लग्न में आकर बैठ जाए या फिर केंद्र में कहीं भी बैठ जाए, यानी 1, 4, 7 और 10वें भाव के अंदर बैठ जाए तो आपका लाभ ही मजबूत है। वहीं सेकंड लॉर्ड की स्थिति भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर वह भी इसी रूप में अनुरूप बैठा हुआ है तो वह आपकी जन्म कुंडली में अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है, समझ रहे हैं। लाभ की स्थिति को यहां पर प्रबल करता हुआ दर्शा रहा है आपका 11th लॉर्ड। अब सेकंड लॉर्ड की बात आती है तो वह भी आप इसी सूत्र पर देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल एकादश पर ही हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि लाभ के मालिक की हम बात कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ धन की बात नहीं है, किसी भी फील्ड में लाभ होना, सिर्फ धन का लाभ नहीं, हर चीज की लाभ की यहां पर बात हो रही है।
तो इसलिए हम एकादश के स्वामी की ही बात करेंगे। धन की बात आती हो तो हम सेकंड हाउस को भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप उसको भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। उसके बाद सूत्र लिखा हुआ है का यदि इस हिसाब से वो लग्न के अंदर बैठता है या केंद्र में बैठता है या फिर नौ पंचम के अंदर भी बैठे तो भी श्रेष्ठ है, और हां एकादश में बैठे तो और श्रेष्ठ है, क्योंकि एकादश के अंदर लगभग सभी ग्रहों को शुभ माना जाता है। स्पष्ट हो चुका है। उसके बाद क्या कहा, इस स्थानों में बैठता है तो दिने दिने अपि लाभंतु, यानी वह आपको हर दिन प्रतिदिन आपको लाभ देगा, लेकिन लेकिन त्रिक भाव में हो तो त्रिकम हानि प्रजायते। अगर वह त्रिक स्थान यानी वो यदि आठ में बैठ जाए, छह में बैठ जाए या बारहवें स्थान के अंदर बैठ जाए तो तीसरे अक में बैठ जाए तो वो आपको फायदे की जगह हानि का योग जो है यहां पर बनाएगा। त्रिकं तो अगर त्रिक भाव में बैठ जाए तो क्या हानिम प्रजायते, हानि का योग बनाएगा। अगला सूत्र यहां पर क्या कहा कि बेज त्रिकस्ते, ये तो यहां पर त्रिक में क्या कहा, अगर लाभ का स्वामी बैठता है तो हानि, लेकिन अब हम व्यय की बात करते हैं क्योंकि हम आय और व्यय दोनों का विश्लेषण करेंगे और इसी रूप में हम फाइनल होकर यहां पर पहुंचेंगे कि क्या स्थिति बन रही है। पहला सूत्र हम समझ चुके हैं। दूसरे सूत्र में व्यय की बात लिखी कि आपकी कुंडली के अंदर खर्च भाव का मालिक कहां बैठा हुआ है, आपके द्वादशीस कहां बैठे हैं, ट्वेल्थ लॉर्ड आपकी कुंडली में कहां विराजित है, उनकी उनकी जो है प्लेसमेंट कहां पर है। तो यहां पर कहा व्यसे चित्रकस्थे वा सर्व संपद्यतु तो नरह, अगर व्यय भाव का मालिक त्रिक भाव में बैठ जाए, त्रिक आप समझ चुके हैं, तीन के अंदर बैठ जाए, छह में बैठ जाए, आठ में बैठ जाए, बारह में बैठ जाए, छह आठ बारह के अंदर बैठ जाए, त्रिक भाव में बैठ जाए तो ये यहां पर शुभ रहेगा। कौन सा, जो व्यय का मालिक है। और केंद्रस्थे वा त्रिलाभे, तीनों लाभ के अंदर कहीं बैठ रहा हो या फिर केंद्र के अंदर बैठ जाओ, अगर वो बैठता है तो दरिद्री जायते, तो अगर व्यय का मालिक केंद्र में बैठे तो शुभ नहीं है, जबकि लाभ स्थान का मालिक केंद्र में बैठ जाए तो शुभ है। छोटा सा सूत्र हो गया ना, अब आप समझ चुके होंगे, यानी लाभ का स्वामी केंद्र में बैठे तो शुभ और व्यय का स्वामी अगर केंद्र में बैठे तो अशुभ। अब आप अपनी कुंडली, जो सूत्र मैंने दोनों आपको विस्तार से बताया उसका शॉर्ट संक्षिप्त में मैंने आपको बताया कि अगर जो है व्यय का मालिक केंद्र में बैठे तो शुभ नहीं है, और लाभ का मालिक केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, आय स्थान पर बैठ जाए तो शुभ है, द्वितीय में बैठ जाए तो शुभ है। तो इस प्रकार से आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं।